साथियों, आज के सक्षमता परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस वीडियो में उसका विश्लेषण करने वाले हैं। हमारे ग्रुप में जितने भी शिक्षक जुड़े हुए हैं, जो एग्जाम देकर आए हैं, उनके द्वारा अभी अभी जो 25-30 प्रश्न कमेंट में भेजा गया है, तो उसका एनालिसिस हम लेकर आपके सामने आए हैं। यह दूसरा पार्ट है। इससे पहले एक और पार्ट, जो दोपहर तक हमारे पास जितने भी प्रश्न आए थे, एक और पार्ट हमने अपलोड किया है। यह सेकेंड पार्ट है, तो इसमें देख लीजिए, इसमें भी 25-30 प्रश्न अभी हमारे पास आया है। आप अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल कौशिक GS Academy को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली पेपर का एनालिसिस लेकर आपके लिए आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न जो हमारे पास आया है वो है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों पर क्या कर दी गई थी? गोलियां चला दी गई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। तो ये आज के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन था। ये 12 अप्रैल 1961 को ये कहाँ गया था? अंतरिक्ष में गया था। ये सोवियत संघ से रिलेटेड था। भारत के प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में जाने वाले थे, कौन थे? राकेश शर्मा। ये भारत के प्रथम थे। आज के एग्जाम में ये प्रश्न आया है। अगर आपके पास भी, अगर आप एग्जाम देकर आए, कुछ प्रश्न है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को कब फांसी दिया गया था? तो 19 मार्च 1931 को ब्रिटिश शासन ने, शासन के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में क्या कर दिया गया था? उन्हें फांसी दे दिया गया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है, निम्नलिखित में से कौन कठोर पदार्थ नहीं है? तो ऑप्शन था ग्रेफाइट, सोना, हीरा और कपास। तो इसमें जो कठोर पदार्थ नहीं है, तो आप देख लीजिए ऑप्शन के हिसाब से कौन सा हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न आया था वो, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर पठार मैदान है? तो पृथ्वी के लगभग 71% भाग क्या है? जल से ढका हुआ है। और 29% भाग पर क्या है? भूमि है। क्या है? 29% भाग पर भूमि है। उसके बाद अगला जो प्रश्न आया हमारे पास वो देख लीजिए, पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? ये भी आज के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अगर आप एग्जाम देकर आए होंगे तो आपको पता होगा। और अगर आपके पास कुछ और प्रश्न है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेज दिए, कुछ भाई को इससे हेल्प हो जाएगा जिनका आगे एग्जाम है। भारत पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है, भारत चीन के बीच में जो है वो मैकमोहन रेखा है, और भारत अफगानिस्तान के बीच में है वो कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत है? तो ऊर्जा का स्रोत यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन के हिसाब से था, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, सूरज, हवा, पानी ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जो खत्म होने वाला है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन जायद फल का उदाहरण है? तो जायद फल के उदाहरण में देखिए, खीरा, ककड़ी और लालमी आता है। बाकी रबी फसल जो आगे एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है, 100% पूछा जाएगा रबी फसल खरीफ फसल से। तो रबी फसल में शीत ऋतु में गेहूं, जौ, दाल, सरसों, ये सब रबी फसल में आता है। खरीफ फसल में मक्का, बाजरा, सोयाबीन और कपास आता है। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा सीमा स्पर्श करने वाला देश का नाम? तो सबसे ज़्यादा जिस देश का सीमा दूसरे देशों से लगता है वो कौन है? हमारा पड़ोसी देश चीन है। चीन की सीमा जो है 13 देशों से लगता है। तो एक बार आप भारत के पड़ोसी देशों को भी देख लीजिएगा, उससे भी प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न था, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। युद्ध को भी एक नज़र, खासकर जो आधुनिक काल के युद्ध है और मध्यकालीन काल के युद्ध है, उन्हें आप जरूर देख कर जाइएगा। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस पदार्थ में पाया जाता है? तो सभी को पता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में सबसे अधिक पाया जाता है। अगला जो प्रश्न आया आज के एग्जाम में, मांसपेशियों को मजबूत करने वाला खाद्य पदार्थ क्या है? तो मांसपेशियों को मजबूत करने वाला खाद्य पदार्थ है प्रोटीन युक्त पदार्थ, दूध, मांस, मछली, अंडा, ये सब खाने से क्या होता है? मांसपेशियाँ मजबूत होता है। अगला जो प्रश्न आया हमारे पास, पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपति कहा जाता है, है ना, भूपरपटी बोल सकते हैं। पृथ्वी के तीन परत होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्या होता है? क्रस्ट, मेंटल और कोर। अगला जो प्रश्न आया हमारे पास, मृदा में उर्वरक शक्ति बढ़ाता है क्या? तो जैव उर्ला उर्वरक को मृदा की पोषण गुणवत्ता को बढ़ाती है, जैव। अगला जो प्रश्न आया हमारे पास
वो देख लीजिए आप। निम्नलिखित में से जैविक पदार्थ है तो जीवों के मलमूत्र, ऑप्शन के हिसाब से होगा, इसमें शायद जीवों के मलमूत्र ही आएगा। अगला जो एक प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से अजैविक पदार्थ है तो ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा कौन सा अजैविक पदार्थ है। अगला प्रश्न आया था 3D से क्या तात्पर्य है, जिसकी ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई तीनों पाया जाता है वो 3D में आते हैं। मैथ के प्रश्न था, औसत से संबंधित प्रश्न पूछा था, 20+5+7+4+9 का औसत क्या होगा, तो सबको ऐड करके क्या करेंगे, सबको ऐड करके और आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। अगला जो प्रश्न था, जीव के किस भाग के करवाहट का पता चलता है, तो जीव का पिछला। अगला प्रश्न था, जीव के किस भाग से करवाहट का पता चलता है, तो जीव का पिछला हिस्सा से करवाहट और स्वाद में मदद करता है। तो इस तरह से जितने भी प्रश्न हमारे पास आए उनका कंप्लीट विश्लेषण आपके पास मैं लेकर आया हूँ। मैं पूरा एकदम लगा हुआ हूँ इस एग्ज़ाम के पीछे, क्योंकि आगे आप सभी के एग्ज़ाम है, तो जितने भी प्रश्न आए आपको बताया जाए कि किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं उसका एनालिसिस किया जाए। तो अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, क्योंकि यह चैनल आपके लिए ही बना है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा हमारे एनालिसिस से। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।